अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ईमेल आईडी को यानी जो जीमेल आईडी आप क्रिएट करते हैं उसको कैसे आप अपने मोबाइल के अंदर में या फिर किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। और जो भी तरीका है ना, मुझे तीन तरीका पता है अभी फिलहाल में, मुझे तीन तरीका पता है किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो तीनों वे बताऊँगा, तीनों वेज बताऊँगा कि कौन कौन सा स्टेप है और कहाँ कहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो शुरू से लेकर के आखिर तक देखना है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर में यानी मोबाइल फ़ोन के अंदर में। जी हाँ, तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपको परेशानी आ सकती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला तरीका है कि आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग्स आपको नज़र आएगा यहाँ पे, सिंपली सेटिंग्स पे आ जाइए या फिर मैं सिंपली यहाँ पे जाकर के सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स। ये रहा सेटिंग्स, सिंपली आप सेटिंग्स के अंदर में आइए। सेटिंग्स आने के बाद में आपको करना क्या है, आपको स्क्रॉल अप करना है या फिर आपको यहाँ पे जो सर्च बार नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर में आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, अकाउंट। सिंपली आप अकाउंट सर्च कीजिए। जब आप अकाउंट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ऐड अकाउंट यानी यूज़र्स एंड अकाउंट्स। सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यूज़र्स एंड अकाउंट में आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे नज़र आ जाएगा ऐड अकाउंट का ऑप्शन, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप बैक कीजिए, बैक कीजिए। बैक आने के बाद में आप सिंपली नीचे देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा यूज़र्स एंड अकाउंट। सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड अकाउंट्स पे। ऐड अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको चूज़ करना है गूगल। सिंपली गूगल चूज़ कीजिए और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी इंटर कर दीजिए। अभी चेकिंग इन्फो, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड जो है वो इंटर कीजिए जो स्क्रीन लॉक है। अब यहाँ पे आप अपना वो ईमेल आईडी डाल दीजिए जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं इस डिवाइस के अंदर में। सिंपली मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, जो नेक्स्ट बटन आपको नज़र आ रहा है सिंपली आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पे ये बता रहा है गूगल नॉट फाउंड, अगर ऐसा बताता है इसका मतलब आपने सही से ईमेल आईडी नहीं डाल रखा, तो मैंने यहाँ पे गलती कर रखा है, आर नहीं है ये एन है। अभी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये ईमेल आईडी ले लेगा। यहाँ पर इसने ईमेल आईडी ले लिया। अब यहाँ पे पासवर्ड के लिए पूछा तो यहाँ पे पासवर्ड आप अपना इंटर कर दीजिए, आप अपने ईमेल आईडी का। ईमेल आईडी क्रिएट करते समय जो आपने पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड आपको इंटर करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे पासवर्ड गलत बता रहा है, इसका मतलब मैंने पासवर्ड गलत डाल रखा है। अगर ऐसा मैसेज आता है तो इसका मतलब आपको पासवर्ड सही डालना है। फिर पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो अभी जो है ये लॉगिन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको पूछेगा कीप योर अकाउंट अपडेटेड विद दिस फोन नंबर, सिंपली आपको यस आई एम इन पे क्लिक कर देना है अगर ऐसा पूछता है तो। उसके बाद में सिंपली आप आई एग्री पे क्लिक कीजिए। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में जो है आपका अकाउंट यानी आपका जीमेल अकाउंट इस डिवाइस के अंदर में लॉगिन हो जाएगा। अभी आपका अकाउंट जो है वो जीमेल अकाउंट आपका इस मोबाइल के अंदर में लॉगिन हो चुका है। पासवर्ड सेव करने के लिए पूछेगा तो आप पासवर्ड यहाँ से सेव कर सकते हैं आप अपने ईमेल के साथ में पासवर्ड। यहाँ पे गूगल सर्विसेज बता रहा है, इट मीन्स के ये जो गोल गोल चक्कर घूम रहा है, ये चक्कर मतलब गोल गोल घूमते घूमते ये क्या करेगा, लॉगिन हो जाएगा और ये रिडायरेक्ट कर देगा सेटिंग के अंदर में। यहाँ पे आप आ गए, पहला ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। अभी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। सिंपली आप जीमेल एप्लीकेशन ओपन कीजिए। जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे नज़र आएगा आपके प्रोफाइल का फोटो नज़र आएगा या फिर आपके नेम का पहला कैरेक्टर नज़र आएगा। सिंपली आप इसको में क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसमें यहाँ पे भी आकर के ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए ये इंटरफेस आपके पास में नहीं आ रहा, यानी पहले मैं तो ये आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली आप गूगल पे क्लिक कीजिए। गूगल पे क्लिक करने के बाद में उसी तरीके से आपसे अपने आपके स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन का पासवर्ड पूछेगा तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन का पासवर्ड इंटर कर दीजिए। उसके बाद में जो यहाँ पे उसी तरीके से ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन कर लीजिए जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था लॉगिन सेटिंग में जा करके। वही स्टेप्स यहाँ से भी आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे फिर से आप अपना ईमेल आईडी डालिए, नेक्स्ट कीजिए, पासवर्ड डालिए, वो आपका लॉगिन हो जाएगा। सपोज़ कीजिए जीमेल एप्लीकेशन जो है वो आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसके कैश को जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसमें जो भी यूजर्स डेटाज हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर जो भी स्टोरेज यूजेज है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि जीमेल एप्लीकेशन जो एकदम नया सा दिखेगा, यानी जो जब फर्स्ट टाइम आप उसे इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं तो किस तरीके से नज़र आता है वो मैं आपको बताऊँगा, गाइड करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंपली मैं यहाँ पे क्लियर डेटा कर देता हूँ। अब इसके बाद में अगर आप फर्स्ट टाइम जब जीमेल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो सिंपली आपको गॉट इट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी जो है वो नज़र आ जाएंगे, जो भी ईमेल आईडी से आप इसमें लॉगिन होंगे। अगर जो भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन हैं या फिर आप पहली बार इसको लॉगिन कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऐड अनदर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करके आप यहाँ से ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। सिंपली गूगल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से भी गूगल चूज़ कीजिए और यहाँ पे आप अपने मोबाइल के स्क्रीन का पासवर्ड एंटर कीजिए और उसी तरीके से आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कीजिए और नेक्स्ट करके पासवर्ड एंटर कीजिए, आप लॉगिन हो जाइएगा। ये तो हो गया दूसरा तरीका। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका है कि आप YouTube ओपन कीजिए। जैसे आप YouTube ओपन कीजिएगा,
YouTube ओपन करने के बाद मैं आपको ऊपर में नज़र आएगा आपके प्रोफाइल पिक, आपके प्रोफाइल का पिक या फिर आपके नेम का पहला कैरेक्टर, यानी आपके नेम का जो पहला अक्षर होता है ना, जैसे मेरा नाम अब्दुल रहमान है तो यहाँ पे ए नज़र आएगा, या फिर यहाँ पे मेरा प्रोफाइल फ़ोटो नज़र आएगा। सिंपली आप इसको में क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा टेक कटिंग, सिंपली यानी आपका नेम नज़र आएगा। सिंपली आप अपने नेम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आने के बाद में आपको सारे ईमेल आईडी यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, जिसमें ईमेल आईडी से आप इस डिवाइस के अंदर में लॉगिन होंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये जो प्लस का बटन नज़र आ रहा है, सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। जैसे आप इस प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं, आइकन पर क्लिक करते हैं, तो आपको ये फिर से वही पूछेगा आप मोबाइल की स्क्रीन का पासवर्ड, तो मोबाइल की स्क्रीन का पासवर्ड एंटर कीजिए या फिर फिंगरप्रिंट आप लगाइए, फिर से आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कीजिए और नेक्स्ट कीजिए और पासवर्ड एंटर कीजिए, आप लॉगिन हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आप तीनों तरीके का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप इस डिवाइस के अंदर में या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर में आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी इशू है, कोई भी परेशानी है, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करूँगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।